स्पून प्याज, एक बारीक काटी हुई सेव PRINTHOWPREPARE गर्म पैन में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालें, कटी हुई लहसुन की किलियां डालें और आधे मिनट के लिए फ्राई करें। बारीक काटी हुई प्याज को आधे मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें 2 पिज्जा सॉस की रेसिपी। घर पर कैसे टमाटर की प्यूरी के खटास में घुले मिले भुने हुए कच्चे प्याज वाली पिज्जा सॉस का अपना अलग ही स्वाद है। शायद इसी वजह से इस अनूठी पिज्जा सॉस के बिना पिज्जा अधूरा ही माना जाता है। साथ ही साथ इसी सॉस की वजह से इसे एक पारंपरिक स्वाद मिलता है। पिज्जा सॉस को बनाने के लिए ताज़ा टमाटर की प्यूरी के साथ कटे हुए प्याज और लहसुन को अलग अलग मसालों के साथ भुना जाता है। लहसुन और प्याज का तीखा टेस्ट ही इस सॉस को बाकी की सॉसेज से अलग और अनूठा बनाता है। इतना ही नहीं, पिज्जा सॉस को पिज्जा बेस पर उसकी डिफरेंट टॉपिंग्स के साथ लगाने के साथ ही आप इसे साइड डिप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर इस बार आप पिज्जा सॉस को घर पर बनाने का मन बना चुके हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इस सॉस का रेसिपी वीडियो, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी और फोटोज, ताकि घर पर ही बैठकर आप इसे आसानी से बना सकें।